everyone and welcome back to my channel and welcome back to the yet another vlog of guys. मौसम तो देखिए एकदम कोहरे वाला है और हल्की हल्की सी धूप आई है बस अभी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:50. yes, तो ये देखिए मौसम. और गाइस थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है और मेरे बर्थडे मंथ सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें न्यू करने की कोशिश कर रही थी. ओके, बाय द वे दिस इज़ टैटो मेरा और जो आपको मैंने दिखाया था. तो अभी इसमें अराउंड 20 डेज मुझे ऑयल वगैरह लगा के रखना है थोड़ा सा, और साथ ही साथ इसमें मुझे कई कई चीज़ें प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक पानी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए तो मैं इसमें फॉइल लगा के ही नहाती हूँ अभी भी. तो डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही है मुझे, आई एम सो सेटिस्फाइड जिन्होंने किया था उनसे भी. प्लस आज का जो ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है वो क्यों किया है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने का मेरा है मोटिव फॉर द दिस रूम, लिविंग रूम हमारा जो है इसका मेकओवर करने का. तो मैंने सोचा है कि आज हम इसका मेकओवर करेंगे. और वैसे मेरे बाल देखिए सो के उठने के बाद से कैसे हो जाते हैं. वैसे मैं तो बहुत पहले उठ गई थी, हस्बैंड का टिफ़िन बना के भी दे दिया है, नाश्ता भी कर लिया है इवन, मतलब मैं सिर्फ डाइजेस्टिव बिस्किट और टी लेती हूँ शुगर फ्री, तो वो सब कर चुकी हूँ. और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टार्ट कर दें. एक्चुअली मेरी मेड अभी आई नहीं है, तो मेड आएगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, वो मेरी बेटी को देखेगी. तो मैंने सोचा है इसको स्टार्ट करने के लिए, आप मेरा रूम वाला जो है वो देखा होगा, नहीं देखा है तो वो वीडियो एक दो दिन में ही आगे पीछे आएगा साथ ही साथ इसके, तो वो मैंने कर लिया था. बाकी इस जगह का कुछ कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं करने की कोशिश करूँगी. तो बहुत सारे आइडिया हैं मेरे दिमाग में कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है. और आज मैंने एक्चुअली ऑफ भी लिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, बट मैंने सोचा कि ऑफ़ का यूज़ हम कैसे करेंगे. तो ऑफ़ का यूज़ हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खाली नहीं बैठ पाती हूँ. अगर मेरी छुट्टी भी होती तो उस दिन में मैं कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ. और मुझे मतलब थोड़ा सा ये डेकोरेशन वगैरह और ये सब चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है. कुछ भी, मतलब मुझे कहीं भी कॉर्नर दे दो, मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ अपना टाइम यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ करूं. तो मैंने यही सोचा है. और आज पूरे इस लिविंग रूम का ये एरिया मेरे बैग, तो बस वही मैं आज करूँगी. और इसका जो मैंने थोड़ा सा प्री आपको वीडियो मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी, आपको याद होगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं बहुत टाइम से, तो वो मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि बट उस दिन मेरी थोड़ी सी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया तो मैंने मेकओवर स्टार्ट ही नहीं किया. और आज मेरे पास टाइम है तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और आज कंटिन्यू करेंगे. जितना हो पाएगा उतना मैं आज कंटिन्यू करूँगी. और ये व्लॉग में मेरे साथ इन तक जुड़े रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी बेटी आ चुकी है. तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा मेड का वेट कर रही हूँ मैं, वो आ जाए तो फिर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि क्या क्या करने वाले हैं हम. तो हो सकता है ये व्लॉग दो पार्ट में बने, देखो मुझे ले जा रही है आ रहे हैं. कुछ डेकोरेशन का सामान मैंने ऑर्डर किया है, अगर वो नहीं आ पाता है आज, वैसे आज डिलीवरी का दिखा रहा है, तो अगर वो नहीं आ पाता है तो मैं शायद दो पार्ट बनाऊंगी, नहीं तो आज अगर आ गया तो आज ही हम सब कंटिन्यू करेंगे. तो चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस. और जब तक आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा. और व्लॉग कैसा लगेगा मुझे सर कमेंट करके ज़रूर बताइए.
सो गाइज लुक एट दिस, मैंने ये पूरा रेगमा से क्लीन करके पूरा पेंट कर लिया है। अभी ये एक कोट पेंट किया है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें सेकंड कोट भी करूँगी। और फिनिश आप देख सकते हो कितने अच्छे से और कितने कम टाइम में मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। ये पूरा पेंट हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ये वाली कॉर्नर का थोड़ा सा हाफ बचा हुआ है, हाफ मैंने कर लिया था, हाफ बचा है थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं ये भी पूरा कंप्लीट करूँगी। और उधर का एरिया थोड़ा बचा हुआ है, वहाँ पे ना मुझे वो जो कीले हैं उनको निकालना है, पीओपी पुट्टी लगानी है, फिर रैक मार करूँगी, फिर क्लीन करूँगी। तब तक ये ड्राई होता है तब तक हम और वॉल को कंटिन्यू क्लीन कर लेके और पेंट करेंगे। गाइस अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, थोड़ा सूख जाए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि मतलब कितना कहाँ पे क्या कमी है। बाकी मुझे अभी ये वॉल पूरी कंप्लीट करनी, ये मैं करने के बाद रेस्ट लेती हूँ। और एक्चुअली इसमें भी करना था, बट पहले देखते हैं कि इसको करने में कितना टाइम लगता है। और एक्चुअली मैं टैटू में थोड़ा सा ना मुझे ज़्यादा हल्का सा इचिंग जैसे होने लगा, क्योंकि पेंट वगैरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही हूँ आज ये और वो वाली ही कंप्लीट कर देती हूँ, और ये सब क्लीन करूँगी और बहुत सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों का आज करके और ये ब्लॉग मैं कल या परसों भी कंटिन्यू कर लूँगी, और इसको भी मैं कंप्लीट करने के बाद फिर एज अ डेकोर इसको स्टार्ट करेंगे। वैसे ये पूरा थीम मेरी मैच कर रही है, ये भी डिज़ाइन से लेके अब ये कलर जो है ना ये बहुत प्यारा सा आया है, हल्का सा देख रहे होगे क्रीमिश में आया है, पहले थोड़ा लाइट क्रीम था बट ये हल्का सा डार्क में आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राइट हो गया है। और रूम का तो आपने देखा ही हुआ है, मैं आपको वीडियो मैंने बताया कि प्रोवाइड कर दूंगी, सेम ही कलर है। और मैं आपको कलर दिखा देती हूँ बॉक्स, एक्चुअली ये है तो ये नेरोलैक के मैंने लिए हुए हैं, नेरोलैक के ब्यूटीफाई स्मूथ फिनिश इंटीरियर इमल्शन पेंट है ये। और अराउंड मुझे ये 450 या 500 का 1 लीटर पड़ा था है, अभी ये ख़त्म हो गया है। तो इससे रोलर की हेल्प से मैं कर रही हूँ, अभी इतना पेंट बचा है इसको भी मैं यूज़ करूँगी, अगर हो पाया तो वाली वॉल करने का ट्राई करूँगी। बट थक जाती हूँ, अकेले कर रही हूँ, मेड के पास बेटी है, क्योंकि बेटी मेरी देखेगी तो सब फैलाती हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ जब तक ये ड्राई हो जाएगा, और ये वाली वॉल में कंप्लीट कर लेती हूँ, फ़ोन में चार्ज में लगा दूँ। और देखिए पूरा फेस में भी आ गया है पेंट, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आपको मिलते हैं। तो गाइस मैंने इसमें ना पुट्टी बना लिया है ये डस्ट पैन में, क्योंकि कोई और जगह नहीं है, और इसमें पुट्टी बना के मैं जो एरिया था ना वहाँ पे लगा देती हूँ, जिससे वो ड्राई हो जाएगा और अच्छे से उसके बाद ऊपर पेंट अच्छे से आ जाएगा। तो ये है पुट्टी और इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने तब तक जब तक ये ड्राई हो रहा था मैंने यहाँ पे वो पुट्टी लगा दिया है, तो जितने भी होल्स थे ना वो देखे सारे हाइड हो गए हैं आराम से। अब मैं इसमें अच्छे से पेंट कर लूँगी, वैसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे रेग मार्क घिसना पड़ेगा। सो गाइज मैं सोच रही हूँ कि इसको भी अभी कम्प्लीट ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी पेंट है मेरे पास जितना, तो मैं यारी वॉल कम्प्लीट कर लेती हूँ, जो भी लेफ्ट होगा वो देखेंगे, नए तो नया पेंट ले आएंगे। बाकी ये ड्राई हो चुका है पहले से, तो अभी मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, बैक में थोड़ा सा अभी ड्राई नहीं हुआ तो अभी रहन दिया है। अभी हल्का शिफ्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थे पेंट करने के, तो ये देख रहे हो आप कैसे फैला हुआ है। तो अभी हम पहले चलते हैं ये वाला भी पेंट कर लेते हैं, और शाम को अच्छे से पूरा क्लीन करके तब मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, वैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ डेकोरेशन का सामान अभी आना है, तो वो अभी कुछ आया है, अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ, बट अभी कुछ नहीं आया है। तो अगर वो आज आ गया तो ये ब्लॉग आज भी कंटिन्यू रहे, मतलब आज अगर वो आज आ गया तो आज ही ये ब्लॉग मैं एंड करूँगी, नहीं आया तो कल शायद आ जाए, क्योंकि डिलीवरी तो कल का भी दिखा रहा है। तो अगर कल आ गया, देखिए सब कुछ पेंट लग गया है मुझे, तो ये ब्लॉग कल तक चलेगा गाइस। तो कैसा लग रहा है आपको मुझे जुड़ के, और अभी तक आप जुड़े हुए हो तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चलते हैं। बातें बहुत हो गई हैं, मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँ। और आपको अभी टाइम बताऊँ, अभी सिर्फ और सिर्फ 11:30 हुआ है, नहीं दिख रहा होगा आपको, वॉच कहाँ है, वॉच कहाँ है, वो उधर पर है। तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था 10:30 पे, और सिर्फ एक घंटा हुआ है, एक घंटे में मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, पुट्टी भी लगा लिया है अकेले, पेंट भी दोनों वॉल्स कंप्लीट हो गई मेरी। और ये तो आपको वॉलपेपर वाला वीडियो मिला ही होगा इस वाली वॉल का, तो ये बहुत प्यारी लगती है गाइस। और रेंटल अपार्टमेंट में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तभी आप अच्छे से रह सकते हो, कि नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे एकदम एक जगह बैठे बैठे एक ही चीज़ देखते देखते। तो मेरा तो यही है कि मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि न्यू वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है, और प्लस स्ट्रेस रिलीफ होता है यार। मुझे तो मतलब मेरे लिए ये सब काम ना बहुत स्ट्रेस रिलीवर है, मतलब अगर मुझे कुछ भी टेंशन होती है तो मैं कुछ काम लेके बैठती हूँ, ताकि
टेंशन फ्री हो जाऊं और बिजी रखूंगी तो कुछ सोचूंगी नहीं, तो जैसा कभी मुझे तबीयत खराब है या कुछ ऐसी चीज़ है तो मैं अपने आप को बिजी रख लेती हूँ एकदम। रेस्ट तो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि घर में बेटी है तो वो लेटने ही नहीं देती है, सोने नहीं देती है, अब तक वो खुद नहीं सोती है, तो वो अभी नहा रही है और तब तक हम चलते हैं ये पेंट कर लेते हैं ये वाली वॉल और बस फिर देखते हैं क्या क्या डेकोरेशन हम कर सकते हैं इन दोनों वॉलों पे। यस ये मैंने पेंट कर दिया है पूरा, ये हो गया है फिनिश। एक्चुअली पेंट खत्म हो गया तो ये वाली वॉल नहीं हो पाई है, बस इतना नहीं, इतना एरिया नहीं हो पाया था मेरा, तो इसको मैं बाद में लाके करूँगी। और ये है कुछ इस तरीके से मैंने पेंट किया है, अभी ये सूखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। और ये देखिए इधर वाला। सो गाइज फाइनली मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, मुझे लगा था आज नहीं कर पाऊंगी, बट कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो जो स्टिकर्स वगैरह लगाए थे मैंने वो भी पूरा क्लीन हो गया है। इससे क्या है ना, रूम बहुत बड़ा सा दिख रहा है और एरिया भी बहुत क्लीन क्लीन, पिछ रोशनी आ रही है सॉरी, तो एरिया भी बहुत क्लीन क्लीन सा लग रहा है। और इसका पेंट बस ये ड्राई हो जाए और ये सब कुछ ड्राई हो गया है, इधर वाला एरिया तो पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है बट अभी ये वाला रह गया है, तो ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम सामान पहले सेट कर देंगे और फिर क्लीनिंग करने के बाद डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। इवन मैं शाम को स्टार्ट करूँगी, अभी तो 12:30 ही हो पाया है, तो डेकोरेशन मैं अराउंड 3 बजे के बाद स्टार्ट करूँगी जब लंच हो जाएगा, झाड़ू पोछा घर के जितने भी काम हैं वो सब कंप्लीट होने के बाद शाम को डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी, जो भी मुझे चीज़ें लगानी हैं और जो भी एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा फिनिश वाला जो काम होता है वो करने वाला। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं जा रही हूँ नहाऊँगी पहले अच्छे से नहा के क्लीन होके, और उसके बाद अभी मैं ऑयलिंग कराऊँगी और ऑयलिंग करा के मैं कुछ जो शाम को रहा, क्योंकि देखिए पेंट आ गया अच्छा खासा हेयर में, तो पहले मैं ऑयलिंग करा लेती हूँ क्योंकि ऐसे पेंट निकलेगा नहीं। ऑयलिंग कराने के बाद मैं शाम को नहा लूँगी और शाम को नहा के फिर मैं इसका डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। तो ये करते हैं अभी, ये सब पूरा क्लीन करके और वॉश करके और हेयर में ऑयलिंग कर लूँ क्योंकि नहीं तो फिर पेंट नहीं निकलने वाला। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस, और थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ मैं। सो गाइस मैं थोड़ी देर सो गई थी और बस अभी सो के उठी हुई हूँ और फ्रेश फ्रेश हो गई थी, लंच मैंने कर लिया है और थोड़ी देर फिर से लेट लेती हूँ सोच रही हूँ। तो अभी हुआ क्या कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है वैसे, और जो ऑर्डर आया था वो सही नहीं आया है, और मैंने जो चीज़ की थी जिस हिसाब से मुझे डेकोरेशन करना था वो अच्छे से नहीं हुआ, मतलब वो अच्छे से आया ही नहीं है। तो एक तो सही आया, एक मैं अभी लगवा लूँगी और एक्चुअली वो ड्रिल करके लगेगा, दूसरा मुझे रिटर्न करना पड़ रहा है, तो रिटर्न करके जब वो आएगा फिर हम लगाएंगे। तो अभी यही काम अटक गया मेरा, तो बाकी जो एज अ फर्निशिंग वाला काम है वो मैं अभी कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं सोच रही थी जितना भी मैं अच्छे से कर पा रही हूँ आज ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कल हो सकता हो मैं कुछ और ट्राई करूँ, कुछ और नया ब्लॉग आपको देखने को मिले, मैंने सोचा है ऐसा करने को, तो हो सकता है मैं कल भी न्यू ब्लॉग बना दूँ या ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो अभी मैं रेस्ट करके बस उठी हुई हूँ और लंच मैंने कर लिया था, थोड़ी देर लेट गई थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है और टैटू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, टैटू अच्छे से एकदम बना हुआ है मेरा। तो अब हम सोच रहे उठ जाते हैं और देखते हैं कि जितना ड्राई होना था वो हो गया है कि नहीं हो गया। देखिए ये अच्छे से एकदम ड्राई हो चुका है और अभी मुझे मंदिर सेट करना रहेगा, और यहाँ मैंने वॉच लगा दी, जो जो सामान था अभी मुझे ये वाली वॉल का एक्चुअली डेकोरेशन मुझे करना था और ये वाली वॉल का करना था, तो इसका तो मैं आज कर लूँगी और ये वाली वॉल का डेकोरेशन रह जाएगा, पता नहीं कब आएगा वो, रिटर्न करा है मैंने। और ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लगाया, आपको दिख रहा होगा कितना प्यारे लगते हैं मेरे ये मेटल के मैंने लिए हैं पूरे, ये मिरर वाला है दोनों साइड के, बाकी यहाँ पे मैंने अभी ये किया है, बट अभी मैं इसको पूरा डस्टिंग करके ही मैं पूरा सेट करूँगी और यहाँ पे मैं कारपेट बिछाऊंगी और बस चलते हैं ये वाला डेकोरेशन पहले मतलब मंदिर सेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ का डेकोरेशन करवाते हैं। ब्यूटीफुल कारपेट, और मैं आपको दिखाऊं एकदम सॉफ्ट है, आप इसमें चाहो तो लेट भी सकते हो आराम से, मतलब आप विंटर में बेड पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ऐसे कारपेट ही इसको यूज़ कर रही हूँ।
और बहुत प्यारी है ये। हमने लैंसडाउन से ली थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे पोस्टेड थे तो वहाँ से हमने लिया था। मेरी बेटी खेलने आ गई है तो बहुत खुश है देख के। तो ये हम यहाँ पे बिछा रहे हैं जिससे कि ये एरिया थोड़ा सा ना उधर पे नहीं जाए, तो मैंने इसको बैक साइड में शिफ्ट कर दिया है और इसके ऊपर हम अपना सोफा रख देंगे आराम से। आई जस्ट क्लीन्ड और अभी ये वॉल नहीं हो पाई है, बट ये मैंने डेकोर कर दिया है और ये कारपेट मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और सिंपली जो था पहले, बस थोड़ा बहुत चेंज करके वैसे ही मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हो इसको अच्छे से। और ये यहाँ पे भी लगाया था। ये वाले वॉल का डेकोरेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब सामान आ जाएगा, अभी तो नहीं आया है, तो होप सो कल परसों में आ जाए। तो ये आपको कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन ज़रूर बताइए। और अब हम चल रहे हैं ये वाले लेवल का डेकोरेशन करने, इसका करेंगे। और अभी आपको टाइम बताऊँ, 3 बज रहा है, आप देख सकते हो। तो 3 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया है। जैसे मैंने सोचा था कि 4-5 मुझे बच जाएगा, बट एक्चुअली वो ड्रिल वाला जो है, मेरे पास जो ड्रिल है वो अभी इस टाइम पे ख़राब हो गई थोड़ी सी, तो ड्रिल वाला जो है वो आएगा अराउंड 4 साढ़े 4 बजे। तो ये होते होते मुझे लगा टाइम हो जाएगा, तो मैंने अब तक ये सेटिंग कर ली अपनी पूरी। थोड़ा सा विंटर्स है तो यहाँ पे क्लीन लगता है और थोड़ा सा वार्म पैरों में लगते हैं, ठंडक लगती है टाइल्स वगैरह की वजह से। तो मैंने यहाँ पे आराम से विंटर भर ये पूरा सेटअप ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जो थी वो सीठी बैठने वाली, वो मैंने हटा दिया है क्योंकि निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। कारपेट अगर फंस जाती है ना तो प्रॉब्लम होती है निकलने में, तो मैंने ये हटा दिया है। बाकी ये पूरा पेंट आप देख ही सकते हो, कि ये पेंट तो आप देख ही रहे हो कितने अच्छे से मैंने किया है। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने आज पूरा पेंट भी कर लिया है और पूरा मंदिर भी सेटअप भी करूंगी, बस क्लीन कर ली, मतलब क्लीन करना है, बाकी मैंने सेट कर दिया है। और वाओ सो अमेजिंग, मतलब मैंने एक दिन में पूरा सब कुछ कर लिया। मैंने ये ना यहाँ लगवा लिए हैं, जो यहाँ लगे थे ना मेरे, वो मैंने निकलवा के अभी इसको यहाँ लगवाया क्योंकि वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हो ये है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इसका लुक भी बहुत चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा आ रहा है। उसके ऊपर मैं लैम्प वगैरह भी रख सकती हूँ। और ये है फाइनली मैंने यहाँ जो सेट किया है, अभी इसका डेकोरेशन मैं करूँगी। और वैसे मैं आपको ये व्लॉग, ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, एकदम प्यारा सा एकदम बोहेमियन ब्राउन लुक आ गया मेरे घर पे। सो गाइज, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है और इतना प्यारा लग रहा है ये चीज़, मुझे मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रही है। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है, सोचिए जनवरी है और इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी पेंट करने के बाद से। फिर मैंने सोचा कि यार नहाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। फिर वैसे गाइज ये व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू रखने वाली, क्योंकि इस वॉल के लिए जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो मैंने रिटर्न, ये देखिए मेरी बेटी ने अभी किया है, अभी ये इसने किया है, आके सो के उठ के आई थी। तो गाइज मैं अब इसको सही करूँगी बाद में। और वैसे आपको मैं ये बताने वाली थी कि जो मैंने ये भी लगवा लिया है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और मैं ये ब्लॉग कल भी कंटिन्यू करने वाली क्योंकि उसका डेकोरेशन बचा है और इसका डेकोरेशन भी बचा है करने को। मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ क्या करूँ, तो ये ब्लॉग हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको, वैसे ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है बट कोई नहीं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जुड़े रहना। और कल मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या इसके आगे फिनिश करने वाली हूँ इसमें डेकोरेशन का। तो फिर हम आपको कल सुबह मिलते हैं। गाइज वेलकम अगेन। तो ये नेक्स्ट डे नहीं है, जैसे मैंने अच्छा कहा था कि मैं नेक्स्ट डे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो ये एक हफ्ते बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बिकॉज जो मैंने ऑर्डर किया था उस वॉल को डेकोर करने के लिए वो आया तो, बट एज अ सुटेबल, मतलब जो मुझे उस वॉल के लिए चाहिए था वो उसमें मैच नहीं किया। फिर मुझे उसको रिटर्न करना पड़ा, फिर रिटर्न करने में बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। फिर मैंने एक चीज़ बाय की, तो ये चीज़ मैंने ऑफलाइन बाय करी है और ये एग्जीबिशन से बाय करी है मैंने, वो यहाँ पर नहीं है, मिल जाएगा आपको शिल्प मेला वगैरह में, मैं आपको ज़रूर अभी दिखाती हूँ। तो मैंने बाय किए हैं ये इस तरह के हैंगिंग वॉल हैंगिंग्स टाइप के, ये आपको एज अ मतलब कर्टेंस टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग्स जो होती है ना वो होते हैं, तो आप एज अ जो हम लोग के क्या कहते हैं डिवाइडर होते हैं, वॉल डिवाइडर्स होते हैं या पिलर्स वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग डेकोर करने के लिए लगाते हैं। तो ये वो है और इसको मैं एज अ वॉल डेकोर लगाऊंगी। वैसे आप हम लोग ना इस गेट से एंट्री करो तो वो लंबी लंबी लटकी रहती हैं झालरें टाइप की, स्ट्रिंग्स टाइप की, तो ये उस तरह के हैं, बट ये बहुत प्यारे हैं। आपको मैं दिखाऊँगी, कौड़ी और शंख के बने हुए हैं, इसको मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाइब भी आएगी, बोहेमियन लुक भी आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया था मुझे वैसे ही चाहिए था। तो चलते हैं और इसको मैं अराउंड 10 to 12 स्ट्रिंग्स से देखती हूँ, अभी काउंट भी नहीं किया मैंने कितनी है, तो इसको मैं लगाने जा रही हूँ। और इसके साथ मुझे एक और चीज़ मिली बट उसको लगाने की मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो हल्का सा झूमर टाइप का, तो उसको भी मैं देखती हूँ कहाँ लगाती हूँ। बाकी जो उस साइड वाली वॉल था जिसमें स्लैब लगाए थे हमने, उसमें भी सारा सामान मुझे सेट करना है। मैंने कर लिया था बट मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि हफ्ता भर का वीडियो मैं बीच में
तबीयत बहुत खराब होगी तो मैं बना ही नहीं पाई, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ और साथ में चल के इसको डेकोर करते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और आप देख सकते हो एकदम मैंने परफेक्ट लगाया है काउंट करके, जो पेंटिंग वाले कीले होती है ना उसको मैंने करके और ये हैंग किया है। और अभी मैं इसमें लाइट्स लगाऊंगी, फेरी लाइट। वैसे मैंने सोचा है कि मैं कर्टन वाली लाइट बाय करूंगी तो वो पूरा बैक का ना एक कर्टन लाइट का व्यू आएगा, बट अभी रिसेंटली मैं नहीं बाय कर रही क्योंकि बहुत खर्चा कर लिया मैंने। और अभी मैं सिंपली एक लाइट लगाऊंगी ऐसे, जिससे ना ये ऊपर वाली हैंगिंग थोड़ी अच्छी से लगे, तो यहाँ पे हम वो लगाने जा रहे हैं। सो गाइज, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, और उसमें ना मैंने वो राइस लाइट होती है ना वो लगाया है, बट वो अभी दिन के टाइम पे इतने अच्छे से दिख नहीं रही। बट आपको मैं फिर भी लाइट ऑफ करके एक बार दिखाती हूँ, कर्टन्स वगैरह बंद करके, कि थोड़ा सा उसमें व्यू आएगा। वो बहुत कम लगाई बट मुझे लग रहा है कि मुझे कर्टन वाली बाय करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, ये देखिएगा। तो ये ऐसे आएगी, है ना, ये हो गया है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ उस वाली वॉल को दिखाने के लिए कि वहाँ पे मैंने क्या क्या डेकोर किया। मैंने पहले कर लिया था गाइज, मैंने आपको जैसे बताया क्योंकि एक हफ्ता लेट हो गया है, तो मैंने पहले लाइट जला देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया है ये डेकोर और आपको आराम से दिखा। सो गाइज, लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया है पॉट, और ये पेंगुइन पेयर है, लव बर्ड्स लव पेंगुइन। और इस लैब में मैंने लगाया है टी लाइट कैंडल होल्डर फ्रॉम द होम सेंटर, और ये लव बर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। यहाँ पे मैंने ये बॉटल में लाइट लगाया, यहाँ पे टी लाइट वाला ऑयल डिफ्यूज़र वाला वो लगाया है सेट। यहाँ पे एक नॉर्मली होम सेंटर का पॉट है, ये भी होम सेंटर का है, ये भी होम सेंटर का है, ये भी होम सेंटर का है, और इसमें मैंने वो राइस लाइट डाल दिया है, तो ये ऐसे जल जाती है, रात में बहुत प्यारी लगेगी। तो लुक एट दिस इज़ द लुक, और ये ऐसे डेकोर कर दिया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा। ये भी तो सो गाइज, होप आपको मेरा ये डेकोर अच्छा लग रहा हो। सॉरी गाइज, बहुत लेट हो गया ना मुझे डेकोर करने में। ये अच्छा लगा है मेरा डेकोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और रूम ट्रांसफॉर्मेशन और पेंटिंग मेरी, जो जो चीज़ें मैंने करी हैं इस पूरे रूम की, मेरी तबीयत तक खराब हो गई है इतना डेकोर करने में, इतना रूम ट्रांसफॉर्मेशन करने में। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी तरीके से एक न्यू वीडियो एंड व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।